नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 4। तो पाठ संख्या 4 का नाम है स्वास्थ्य पर किरणों का प्रभाव। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर तरह तरह के रंगों की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि दी हुई है बच्चों आपको। यहाँ पर दिए गए चित्र के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो आपको यहाँ जो चित्र दिया हुआ है, ये बच्चों किस चीज़ का चित्र है? जी हाँ, ये हमारी पृथ्वी का चित्र है। और आपको इस चित्र के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। तो चलिए अब हम जल्दी से पाठ में प्रवेश करते हैं। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, ये तो हम सब जानते हैं। जड़ या चेतन मतलब सजीव हो या निर्जीव, मतलब जिस चीज़ में जीवन हो या जीवन ना हो, जो कुछ भी पृथ्वी पर है उन सबको शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य द्वारा ही प्राप्त होती है। जिन वस्तुओं पर सूर्य रश्मियाँ पड़ती हैं, रश्मियाँ मतलब किरणें, जिन वस्तुओं पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उन पर वे हितकर प्रभाव डालती हैं। हितकर मतलब अच्छा प्रभाव, और जिन पर नहीं पड़ती उन पर अहितकर। सूर्य रश्मियाँ अनंत हैं परंतु मूल प्रभा एक ही है। मूल प्रभा मतलब सूरज एक ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सूरज के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम सोच सकते हैं अपनी धरती को, सूरज के बिना नहीं सोच सकते। सूरज के प्रकाश के अभाव में, मतलब अगर सूरज का प्रकाश ना हो, हम लगभग अंधे ही रहते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में कुछ लोग सूर्य एवं अग्नि को देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। बल्कि यह कहना ज़्यादा उचित है, ज़्यादा ठीक है कि भारतवर्ष ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र, सभी जगह सूर्य को देवता माना गया है। जापान में सूर्य का एक विशाल मंदिर है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए उससे अपने अपने रंग प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब इन ग्रहों की निजी रंगीन किरणें सीधी या तिरछी होकर और सूर्य की किरणों से टकरा कर पृथ्वी पर पड़ती हैं, तब सूर्य रश्मियों में इन ग्रहों की अतिरिक्त रंगीन किरणों के बढ़ जाने से पृथ्वी या उस पर रहने वाले किसी मनुष्य आदि पर किसी ग्रह विशेष के अतिरिक्त रंगीन किरणों के पड़ने का प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य की किरणों से टकराकर ग्रहों की अपनी रंगीन जो किरणें होती हैं, सीधी या तिरछी जैसी भी किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, तब क्या होता है, सूर्य रश्मियों में इन ग्रहों की किरणें के बढ़ने से इसका मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा है। लाल, हरा, सुनहरा या पीला, आसमानी, गहरा नीला, काला तथा हल्का नीला, ऐसे 7 रंगों का एकीकरण जब होता है, मतलब ये 7 रंग जब एक हो जाते हैं तो क्या रंग बन जाता है, श्वेत रंग बन जाता है, सफ़ेद रंग बन जाता है। और सफ़ेद किरणें क्या करती हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ और आगे मैं आपको तरह तरह की किरणों के बारे में भी बताऊँगी। सफ़ेद किरणें, ये 7 रंगों का मिश्रण है, लाल, हरा, पीला, आसमानी, गहरा नीला, काला तथा हल्का नीला। इसमें कैल्शियम तथा पौष्टिक तत्व होते हैं। ये बच्चों के दांत निकलने में लाभकारी है। बच्चों, हर तरह की किरण का कोई ना कोई लाभ होता है और आपको वो याद रखना है, आपको स्मरण करना है कि किस प्रकार की किरणों का किस प्रकार का लाभ होता है। ये बच्चों के दांत निकलने में लाभकारी हैं। ये कीटाणु विहीन हैं, कीटाणु नहीं होते सफ़ेद किरणों में। ये हड्डियों को मजबूत रखने में भी सहायक होती हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी सफ़ेद किरणें सहायक हैं। अब हम पढ़ते हैं लाल किरणों के बारे में। लाल रंग गर्मी बढ़ाता है, ये तो हम सबको पता है।
सर्दियों में लाल रंग के अस्तर की रजाइयाँ प्रयोग करने का कारण यही है। क्यों हम सर्दियों में लाल रंग की अस्तर की रजाइयाँ प्रयोग करते हैं? ताकि हमें ठंड ना लगे, हमें गर्मी लगे। यही नहीं, जिनके पाँव पैर जिनके सदैव ठंडे रहते हैं, होता है ना कईयों के पैर ठंडे रहते हैं, वह लाल रंग का मोज़ा पहन सकता है। गठिया तथा रक्तहीनता आदि रोगों में, गठिया मतलब जो हमारी ये जोड़ दुखते हैं ना, अंग दुखते हैं, रक्तहीनता जब हमें रक्त की कमी हो जाती है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आदि रोगों में, या जिसका हृदय दुर्बल हो, उसके लिए लाल रंग के कपड़े पहनना लाभकारी है। शरीर के निर्जीव भाग को, निर्जीव भाग शरीर का जो भाग हमारा उठता ना हो, ऐसा लगे जिसमें जान ही नहीं है, चैतन्यता प्रदान करने में अद्वितीय है। मतलब उसमें जान डालने में लाल रंग जैसा कोई नहीं है। शरीर के किसी भाग में यदि गति ना हो तो लाल प्रकाश डालने से उस भाग में चैतन्यता आती है, मतलब गति आ जाती है, उस भाग में अवस्था जागृत हो जाती है। अतः लाल किरणों को विद्युत गुण के समान माना गया है। यह मोच, लकवा, जोड़ों का दर्द, सूजन आदि स्नायुमंडल के सभी रोगों में हितकारी है। अगर हमें मोच लग जाए, लकवा हो, जोड़ों का दर्द हो, कहीं सूज जाए, तो ये सारे रोग होते हैं स्नायुमंडल के, तो इन सभी रोगों में ये हितकारी है। शरीर में लाल रंग की वृद्धि भी हो जाए तो भी कुछ गलत हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। शरीर में लाल रंग की वृद्धि से त्वचा में सूजन आ जाती है और गर्मी के विकार उभर आते हैं। लाल रंग के कमरे में बैठकर खाने से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और पेट के कितने ही रोग हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों हरी किरणों के बारे में। हरी किरणें, हरे रंग के बढ़ने से लाल रंग दबता है। यह रंग, हरा रंग, आंखों व त्वचा के रोगों में लाभदायक तो है ही, ज्ञान तंतुओं और स्नायु मंडल को बल देता है। मतलब हमें ज्ञान तंतु और स्नायु मंडल को बल मिलता है हरी किरणों की मदद से। हरे रंग की कमी और लाल रंग की वृद्धि से शरीर में फोड़े, फुलसी, खुजली, दांत आदि त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। हरा रंग दिमाग की गर्मी शांत रखने और आँख के रोगों में अचूक है। समय से पहले ही सफ़ेद होने वाले बाल इस रंग के प्रयोग से फिर काले हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं नारंगी रंग की किरणें। नारंगी रंग भी गर्मी बढ़ाता है। शरीर में तिल्ली के बढ़ने, मूत्राशय और आंतों की शिथिलता आदि रोगों में भी नारंगी किरण तप्त जल काम में आता है। यह रंग पुराने रोगों में 3 दिन तक पहले पहल देकर पेट को साफ करने के लिए काम में लाया जाता है और तब असल रोग की दवा दी जाती है। पहले इस रंग से पेट को साफ किया जाता है और फिर असल रोग की दवा दी जाती है, यदि रोग पुराना हो तो। नारंगी रंग दमा रोग के लिए अक्सीर है। नसों की बीमारी और लकवा आदि व्यात व्याधियों में एक ही औषधि है। अब हम बात करते हैं पीली किरणें। पीली किरणों के गुणों की दृष्टि से बौद्धों में पीत परिधान प्रचलित है। बौद्धों में पीला परिधान पहना जाता है। यह रंग बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान की वृद्धि करने वाला होता है। पेट, जिगर, फेफड़ों, तिल्ली तथा हृदय के रोगों में अत्यधिक लाभदायक है। इससे पेट में पीड़ा होना, पेट फूलना, गुड़गुड़ाहट होना आदि जैसी समस्याओं को दूर कर शरीर को स्वस्थ रखने में हितकारी है। वसंत ऋतु में पीला कपड़ा पहनना लाभदायक है। पीले रंग का कपड़ा पहनने से ज्ञान तंतु चैतन्य एवं निरोग रहते हैं। गर्मी के दिनों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है, जबकि सर्दी में काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इन रंगों के संबंध में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है
कि काले कपड़ों के नीचे सफ़ेद रंग का कपड़ा ज़रूर पहनना चाहिए, अन्यथा यह शरीर को नुकसान तो पहुंचाता ही है अपितु बदन में शीघ्र झुर्रियां डालता है। पीली किरण तप्त जल थोड़ा थोड़ा कुछ दिन तक पीने से लाभ होता है। तो बच्चों, कोई भी काले रंग का कपड़ा पहनो, उसके नीचे सफ़ेद रंग का कपड़ा ज़रूर पहनना चाहिए, नहीं तो बदन में शीघ्र झुर्रियाँ भी आती हैं और शरीर को भी नुकसान पहुँचता है। अब हम पढ़ेंगे नीली किरणें। नीली किरणें भी हमारे शरीर पर प्रतिकूल व अनुकूल प्रभाव डालती हैं। इस रंग की कमी और लाल रंग की अधिकता से मनुष्य पेट में मरोड़, अतिसार एवं ज्वर आदि रोगों से पीड़ित हो जाता है। नीली किरण तप्त तेल के प्रयोग से बालों का झड़ना, असमय सफ़ेद होना, सिर में दर्द आदि परेशानियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। यह तेल बालों को बढ़ाने में सहायक है, मतलब इस तेल से बाल भी बढ़ते हैं और दिमाग को शांत रखता है। कीटाणुनाशक फोड़े फुलसी, मुंह के छाले आदि गले से संबंधित रोग इस पानी से कुल्ला करने से आराम पहुंचाते हैं। आसमानी रंग की किरणें, यह रंग अपने आप में विशेष गुणों से परिपूर्ण है। हिंदू शास्त्र में जो राम और कृष्ण के नीले वर्ण विग्रह का ध्यान विधान है, उसका एक अभिप्राय यह भी है कि नीले कण शांति प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर फैले हुए आकाश का रंग नीला है। यह रंग प्राणी जीव को जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह रंग भक्ति, अनुराग व प्रेम का प्रतीक है। यह रंग जितना हल्का होगा उतना ही अधिक ठंडक देने वाला होगा और जितना अधिक गहरा होगा उतनी ही गर्मी होगी। शरीर की सूजन में नीला और सफ़ेद मिश्रित, मतलब सफ़ेद और नीला मिला हुआ कपड़ा पहनना गुणकारी है। नीले रंग के अस्तर की टोपी व पगड़ियाँ हितकारी होती हैं। अतः गर्म स्वभाव वाले लोग यदि इस रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो यह उनके लिए गुणकारी दवा की तरह असर दिखाती है। गर्मी के कारण होने वाले रोग जैसे पेचिश, अतिसार, ज्वर, श्वास, पथरी, मूत्र विकार, मस्तिष्क रोग आदि इस रंग के प्रयोग से जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। नीले रंग की कमी और लाल रंग की वृद्धि से आँखों के रोग, दर्द, जोड़ों में अकड़न, बाल गिरना, खट्टी व कड़वी उबकाई का आना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नीले रंग की अधिकता वातजन्य रोग का कारण बनती है। शहद की मक्खी, बिच्छू, ततैया आदि काट खाने पर इस रंग का जल उस स्थान पर मल देने या उसकी पट्टी रख देने से आराम मिलता है। किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस रंग के जल से घाव धोने के लिए जल का प्रयोग अधिक देर तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल का ज़्यादा प्रयोग घाव में पीड़ा को बढ़ा देता है। आसमानी किरण तप्त तेल की मालिश कुछ दिनों तक रोज़ आधा घंटा धूप में बैठकर करने से शरीर गठ जाता है, मतलब शरीर बलशाली हो जाता है और शरीर को बल मिलता है। यह रंग ठंडक और शांतिदायक है। जब शरीर का कोई भाग या समस्त शरीर गर्म हो उस समय इस रंग का प्रयोग करना चाहिए। किसका? आसमानी रंग का। अब हम पढ़ते हैं बैंगनी किरणें। ये विद्युत किरणें भी कहलाती हैं। यह रंग भी नीले और हरे रंग की तरह ठंडा है। पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने, कमज़ोर मस्तिष्क तथा हृदय की धड़कन में बैंगनी किरण तप्त जल लाभ पहुंचाता है। शरीर में इसकी कमी हो जाने से प्रलाप, अतिसार, हैजा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह रंग शरीर का ताप कम करने में गुणकारी है। तो शरीर का ताप अगर कम करना हो तो कौन से रंग का हमें प्रयोग करना चाहिए? बैंगनी किरणों का। आगे चलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें या नीलोत्तर किरणें।
ये किरणें केवल सूर्योदय के समय ही कम मात्रा में ग्रहण की जा सकती हैं, वह भी नंगे बदन रहने पर, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह बात साबित हो चुकी है कि ये किरणें सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्त्रों को भी भेद नहीं पाती और इन किरणों का लाभ उठाने से व्यक्ति वंचित रह जाता है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि हमें सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और नंगे बदन ही सूर्य के सामने खड़े होकर उनको जल आदि धार्मिक कृत्यों की सलाह देते हैं। इन किरणों के गुण अनंत हैं, मतलब बहुत सारे हैं। इसके प्रभाव से भयंकर रोग के कीटाणु तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अंग्रेजी दवा आयोडीन से कहीं अधिक विषनाशक शक्ति इन किरणों में विद्यमान है। ये किरणें विटामिन डी का स्वाभाविक स्रोत हैं। इन किरणों में जीवन शक्ति व गुण तो अनगिनत हैं ही, पर इनको प्राकृतिक रूप से ग्रहण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि नमी और धूल से भरे वातावरण को भेद कर ये किरणें हम तक बहुत कम पहुंचती हैं। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ये हम तक क्यों कम पहुंचती हैं, क्योंकि जो वातावरण है वो नमी और धूल से भरा हुआ होता है। तो बच्चों यहाँ ये हमारे पाठ का जो पाठन है वो समाप्त होता है और आप अब अपने गृह कार्य में इस पाठ को दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए या याद हो जाए कि कौन कौन सी किरणें किस तरह के रोगों में लाभ पहुंचा सकती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कठिन शब्द, ये कठिन शब्द आपको लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। कल्पना, अभाव, प्राचीन, अग्नि, विशाल, ग्रह, किरण, अतिरिक्त, विशेष, मिश्रण, पौष्टिक, कैल्शियम, सदैव, रक्तहीनता, दुर्बल, चैतन्य, अद्वितीय, स्नायु, अक्सीर, परिधान, ज्ञान तंतु, प्रतिकूल, परिपूर्ण, वातजन्य, वैज्ञानिक, विषनाशक और स्वाभाविक। तो चलिए अब ये कठिन शब्द आप लिखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका में और फिर लिखेंगे आप शब्दार्थ। रश्मियाँ मतलब किरणें, रक्तहीनता खून ना बनना, निर्जीव बेजान, जिसमें जान ना हो वो निर्जीव, ज्वर बुखार, विधान नियम या फिर हम इन्हें कानून भी कह सकते हैं, प्रलाप पागलपन, सूक्ष्म बारीक, कृत्यों कामों, विषनाशक जहर के प्रभाव को खत्म करने वाली, नैसर्गिक प्राकृतिक। तो ये शब्द अर्थ भी आप याद करेंगे और इन्हें लिखेंगे। अब हम करते हैं बात पाठ की। तो ये आपने मौखिक प्रश्न उत्तर है यहाँ पर। बताओ क्या पढ़ा। सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं वे रंग प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वे रंग प्राप्त करते हैं। पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने पर कौन सी किरणें लाभदायक होती हैं। पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने पर बैंगनी किरणें लाभदायक होती हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने में कौन सी किरण लाभदायक है। तो चलिए बच्चों बताइए टूटी हड्डियों को जोड़ने में कौन सी किरण लाभदायक है। जी हाँ, टूटी हड्डियों को जोड़ने में सफ़ेद किरणें लाभदायक हैं। गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए किस रंग के अस्तर के कपड़े उपयोगी हैं। आसमानी रंग के अस्तर के कपड़े उपयोगी हैं। गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए आसमानी रंग के अस्तर के कपड़े उपयोगी हैं। तो आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। बच्चों के दांत निकलने में लाभकारी है कौन सी किरणें। सफ़ेद किरणें सबसे पहले हमने पढ़ी थी। सफ़ेद किरणें बच्चों के दांत निकलने में लाभकारी हैं। आँखों व त्वचा के लिए लाभदायक है हरा रंग। आँखों व त्वचा के लिए हरा रंग।
शरीर में लाल रंग की वृद्धि से त्वचा में सूजन आ जाती है, सूज जाती है त्वचा। अगर लाल रंग की वृद्धि हो जाए शरीर में तो त्वचा में सूजन आ जाती है। सात रंगों के एकीकरण से श्वेत रंग बनता है। बसंत ऋतु में कौन सा कपड़ा पहनना लाभदायक है? पीला। तो चलिए आगे चलें। सूरज का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इस पृथ्वी पर जड़ या चेतन जो भी है उसे शक्ति सूरज से ही मिलती है, अतः सूरज का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। श्वेत रंग किन सात रंगों के एकीकरण से बनता है? तो बच्चों, पाठ के शुरुआत में आपको बताया गया था लाल, हरा, सुनहरा, गहरा नीला, काला और हल्का नीला आसमानी रंग से मिलकर श्वेत रंग बनता है। हरा रंग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में किस प्रकार सहायक है? आंखें व त्वचा के रोगों के लिए हरा रंग हमारी मदद करता है। नारंगी किरण तप्त तेल किस काम आता है? नारंगी किरण तप्त तेल किस काम आता है बच्चों, बताइए। ये पेट के विकारों को दूर करता है, पेट साफ किया जाता है इससे, और फिर पुराने से पुराने रोग की दवा दी जाती है। शरीर में लाल रंग की वृद्धि से किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है? त्वचा में सूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाते हैं। जापान में सूर्य का विशाल मंदिर है? जी हाँ है। सफ़ेद किरणों में कैल्शियम और पौष्टिक तत्व होते हैं? जी हाँ। लाल रंग ठंड बढ़ाता है? नहीं, लाल रंग तो गर्मी बढ़ाता है। हरी किरणें आँखों के लिए लाभदायक होती हैं? बिल्कुल। बैंगनी किरणें शरीर का ताप अधिक करने में गुणकारी हैं? नहीं, ये गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। पाठांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब हमें इस पाठांश को ध्यान से पढ़ना है ताकि हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अंग्रेजी दवा आयोडीन से कहीं अधिक विषनाशक शक्ति इन किरणों में विद्यमान है। ये किरणें विटामिन डी का स्वाभाविक स्रोत हैं। इन किरणों में जीवन शक्ति व गुण तो अनगिनत हैं ही, पर इनको प्राकृतिक रूप से ग्रहण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि नमी और धूल से भरे वातावरण को भेदकर ये किरणें हम तक बहुत कम पहुंचती हैं। अब हम इनके प्रश्न देख लेते हैं। उपयुक्त पाठांश में किन किरणों के बारे में जानकारी दी गई है? अल्ट्रावायलेट या नीलोत्तर किरणों के बारे में हमें उपयुक्त पाठ्यांश में जानकारी दी गई है। ये किरणें हम तक बहुत कम क्यों पहुंचती हैं? ये किरणें हम तक नमी और धूल से भरे वातावरण को भेदकर नहीं पहुंच पाती हैं। ये किरणें किसका स्वाभाविक स्रोत है? विटामिन डी का स्वाभाविक स्रोत है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। लाल किरणें क्या करती हैं? लाल किरणें, चलिए अब आप हमें बताएंगे। लाल किरणें बच्चों रक्तहीनता व गठिया में लाभ देती हैं। मैं यहाँ पर इसके साथ लिख देती हूँ क ख ग घ, आप मिलान इसे स्वयं करेंगे। लाल किरणें रक्तहीनता व गठिया में लाभ देती हैं। पीली किरणें क्या करती हैं बच्चों? बुद्धि व ज्ञान की वृद्धि, ठीक है। आसमानी किरणें शहद की मक्खी ततैया काटने पर आसमानी किरणें हमें लाभ पहुंचाती हैं, ठीक है। नीली किरणें बालों का झड़ना और सिर में दर्द हो तब हम नीले तेल का प्रयोग करते हैं। नारंगी किरणें क्या करती हैं बच्चों? नसों की बीमारी लकवा आदि में ये सहायक होती हैं, इनका इलाज करने में ये सहायक होती हैं। हरी किरणें आँखों व त्वचा के रोगों में, और बैंगनी किरणें पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने पर, ठीक है।
अब आप इनको मिलान कर लेंगे, जैसे लाल किरणें रक्तहीनता व गठिया में लाभ, पीली किरणें बुद्धि व ज्ञान की वृद्धि करने वाला, आसमानी किरणें शहद की मक्खी ततैया आदि के काटने पर, नीली किरणें बालों का झड़ना सिर में दर्द, नारंगी किरणें नसों की बीमारी और लकवा आदि, हरी किरणें आंखों व त्वचा के रोगों में, और बैंगनी किरणें पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने पर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सफ़ेद किरणों की विशेषताएं बताओ। अगर बच्चों आप इस पाठ को दोबारा से स्वतः आप इसका पाठन करेंगे तो आपको ये सारी विशेषताएं पता चल जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ विशेषताएं बताती हूँ। सफ़ेद किरणों की विशेषताएं बताओ। ये कीटाणु रहित होती हैं, कैल्शियम और पौष्टिक तत्व इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों के दांत निकलने में भी ये लाभकारी होती हैं। लाल किरणों की विशेषताएं, लाल रंग क्या करता है बच्चों, गर्मी बढ़ाता है और क्या करता है, गठिया रक्तहीनता आदि रोगों में ये सहायक होता है, शरीर के निर्जीव भाग को चैतन्यता प्रदान करता है लाल रंग। आसमानी किरण तप्त तेल से क्या फ़ायदा होता है, आसमानी किरण तप्त तेल से हमारा शरीर गठ जाता है और शरीर को बल मिलता है। नीलोत्तर किरणों को प्राकृतिक रूप से ग्रहण करना अत्यंत कठिन क्यों है, क्योंकि नमी व धूल से वातावरण भरे वातावरण को भेद कर ये हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक रूप से ग्रहण करना अत्यंत कठिन होता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको स्वयं भी इसका पाठन करना है तो आप ये पाठ गृह कार्य के रूप में अपने घर पर दोबारा पढ़ेंगे। आभार, मिलते हैं अगले पाठ में।